नमस्कार, छिंदवाड़ा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जिले के विकास खंड जुन्नारदेव के बरेली पहा में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विजय इवने द्वारा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण के संबंध में उदासीनता बरतने और लंबित कृषक अंश राशि के दुरुपयोग के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उप संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास ने निलंबन अवधि में विजय इवने का मुख्यालय अनुविभागीय कार्यालय छिंदवाड़ा नियत किया गया है। मध्य प्रदेश की आशा उषा सहयोगनी कार्यकर्ता संगठन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण हेतु दिनांक 5 और 6 मई को नीलम पार्क भोपाल में प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करने जा रही हैं, जिसमें सभी कार्यकर्ता और संगठन शामिल होंगे। आशा सहयोगी संगठन की जिला अध्यक्ष उर्मिला भादे ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले की समस्त कार्यकर्ता और संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिनों का प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करने भोपाल के नीलम पार्क जा रही है, जिसमें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मेरे 11 ब्लॉक की सभी 2300 कार्यकर्ताओं को लेके मैं भोपाल धरना प्रदर्शन में सभी कार्यकर्ताओं को लेके भोपाल पहुंच रही हूँ। हमारी मांग है आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता को नियमितीकरण में लिया जाए। आशा और आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं को 10,000 फिक्स मानदेय, आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 दिया जाए, सहयोगी कार्यकर्ताओं को 15,000 दिया जाए और सभी ग्राम में या सभी आशा कार्यकर्ता के एक एक ग्राम आरोग्य केंद्र की स्थापना की। वन परिक्षेत्र तामिया के उमरिया बीट में पदस्थ महिला वन रक्षक सुबह नर्सरी के पास वन भूमि के पास किए गए अतिक्रमण को रोकने के लिए पहुंची तो एक अतिक्रमणकारी ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उमरिया बीट में पदस्थ महिला वन रक्षक ज्योति ध्रुवे नर्सरी के पास अतिक्रमण कर बनाए गए एक झोपड़े को हटाने के लिए पहुंची तो अतिक्रमणकारी ने वन रक्षक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। महिला वन रक्षक ज्योति ध्रुवे ने चौकीदार के साथ जैसे तैसे अपनी जान बचाई। वहीं इस घटना के बाद तामिया रेंजर आरपी श्रीवास्तव ने महिला वन रक्षक और स्टाफ के साथ थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। छिंदवाड़ा जिले में शासकीय दस्तावेज में हेराफेरी करते हुए ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व सहकारी समिति प्रबंधक ने कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मिलकर शासकीय जमीन को निजी जमीन बताकर 3 लाख रुपए का भुगतान करवा दिया। इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध कायम करते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।